माननीय अध्यक्ष जी, उस चर्चा के दौरान जब माननीय नेता सदन जी को जब बोलना था तो हम सब विपक्ष के साथियों की तरफ से उस बात को संज्ञान में लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मेरी पार्टी का जो मत है, क्योंकि हमारी पार्टी कभी भी, क्योंकि इधर से हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री अखिलेश जी ने कहा कि बसपा का नाम नहीं लिया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बसपा का ये इतिहास रहा है कि बसपा भी किसी भी आपराधिक व्यक्ति को कभी बर्दाश्त नहीं करती है। क्यों नहीं, वो अगर हुआ उसका सांसद विधायक खुद ही हो, उसके ऊपर भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहते में कार्रवाई हुई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब भवन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थी और हमारी पार्टी के खुद वर्तमान सांसद के ऊपर एक आरोप लगा, और उस आरोप के चलते, क्योंकि एक सांसद होने के नाते उनकी गिरफ्तारी पुलिस वाले नहीं कर पा रहे थे, बहन जी को यह महसूस हुआ, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री आवास पे उस सांसद जी को बुला करके समाज पार्टी की उपलब्धियां बता रहे हैं कि विषय पर बताइए जी। उसी पे आ रहा हूं। नहीं, वो बात परसों माननीय अध्यक्ष जी आ गई थी, इसलिए उस बात को लाना जरूरी था कि बसपा का क्या चरित्र है। वो सब तो इसलिए वहां पे मुख्यमंत्री आवास से बुला करके उसको गिरफ्तार कराया गया। अध्यक्ष जी, क्योंकि इस महत्वपूर्ण विषय में, चूंकि जिस समय हम सदन में बैठे हैं इस तरह से माफियाओं ने इतना बड़ा कृत्य किया, मेरा केवल यह मानना है, मैं इसके लिए सरकार से आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं, और उच्च स्तरीय जांच करा करके जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई के सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इसमें किसी तरह का कोई भी मतलब मेरे तरफ से कोई ये नहीं है कि नहीं कौन किस पार्टी में है, कौन कहां रहा है, जो भी दोषी हो। और अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि उसमें जो मृतक जो मेन मुख्य गवाह थे उमेश पाल जी, उनकी पत्नी को कम से कम 5 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी, तथा जो मृतक हमारे जो एक कांस्टेबल हैं उनकी भी परिवार को 5 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी दिया जाए। और मेरा ये आपके माध्यम से आग्रह है, और फिर मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अपील करूंगा कि इसमें किसी तरह का मेरा कोई मतलब आप पे आरोप नहीं है, केवल मेरा आग्रह है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं और जो भी दोषी हो उसको कठोर से कठोर सजा की जाए। सरकार बनाम अतीक अहमद आदि के विरुद्ध थाना धूमनगंज प्रयागराज पर पंजीकृत कराया गया था, जिसमें इस मुकदमे में जो मृतक हैं कृष्ण कुमार पाल और उमेश पाल, उसमें एक महत्वपूर्ण गवाह थे। साथ ही इसी मुकदमे की गवाही की वजह से इस हत्या के तार जुड़े हैं। वर्ष 2007 में यही कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल के अपहरण के संबंध में एक मुकदमा मान्यवर और पंजीकृत हुआ, क्राइम नंबर 270/7, धारा 147, 148, 349, 343, 341, 342, 364, 504, 506, 34 IPC व सेवन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ये भी थाना धूमनगंज में पंजीकृत हुआ। सरकार बनाम अतीक अहमद, यानी जो उसमें मुलजिम थे मुख्य रूप से, वो इसमें भी थे, उसमें अतीक अहमद आदि के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। इस अभियोग को मान्यवर जल्दी सुनवाई के लिए मामला उच्च न्यायालय में गया था कृष्ण कुमार पाल के द्वारा, और उसमें 16/1/23 को ये आर्डर हुआ कि 2 महीने के अंदर इसमें ट्रायल कंक्लूड करें। इसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 17/2/23 को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 6 हफ्ते में ये ट्रायल पूरा करें। तो मुकदमे में कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल एवं अन्य सभी गवाहों की गवाही पूर्ण हो चुकी है। कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल के सुरक्षा के लिए 2 सशस्त्र पुलिसकर्मी गनर दिए गए थे। मनवर, ये उसकी पृष्ठभूमि है जिसकी वजह से अभी तक जो विवेचना हुई है उसके आधार के ऊपर ये निष्कर्ष है कि इस घटना के तार उस पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, क्योंकि किसी न किसी मर्डर में कोई न कोई कारण जरूर होता है, बिना कारण के मर्डर नहीं होता, इसलिए ये बताना आवश्यक था। साथ ही ये
उसमें एक की व्यक्ति की तो डेथ हो गई, एक सिपाही की, संदीप की, लेकिन जो दूसरे सिपाही हैं उसकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उनको जो राघवेंद्र सिंह हैं उनको 26/2/23 को प्रयागराज से लखनऊ तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर SGPGI में भर्ती कराया गया है और पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के द्वारा 10 टीमों का गठन किया गया है ताकि इसमें जल्दी से जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो सके।